तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी सारी उम्मीदों का पानी फेर दिया। क्या क्या उम्मीद लगा रखी थी मैंने, जिंदगी खराब की तुमने, उम्मीदों में पानी फेरा तुमने, झूठा नाटक करके मेरे से शादी की। तुम पर विश्वास करके मैं अपना घर बार सब छोड़ के आ गई, फिर भी कहते हो ज्यादा चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्माऊं, आखिर क्यों शर्माऊं तुझसे शादी करके? मैंने तुझसे शादी इसलिए करी थी ताकि मैं करोड़पति बन सकूं। तुझसे प्यार किया था मैंने ताकि मैं करोड़पति बन जाऊं, और मुझसे पूछती है जायदाद क्यों चाहिए? मैं कभी नहीं जाऊंगी वहां, मैं सब कुछ छोड़ के चली आई, और तुम कहते हो कि मैं वहां जाऊं? मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पता थी तुम ऐसी हरकत करोगे। चलो अपना हिस्सा लेकर आते हैं। अगर मेरी जान भी चली जाए ना, मुझे वो जायदाद नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, लास्ट एंड फाइनल? हाँ। मैं जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। नहीं ढूंढूंगी और ना ही ढूंढने की जरूरत है। तू ऐसे नहीं मानेगी, ला मेरा बच्चा मुझे दे। हाथ बंद लगाना मेरे बच्चे को। ये बच्चा मेरा है, इसे झूठे जन्म तुमने दे सकती हो? इन बच्चा तो मेरा है, मेरा बच्चा मुझे दे दे, छोड़ इसे। क्या करोगे इसे ले जाकर, अपनी तरह गोफर बनाओगे इसे, झूठ बोलना सिखाओगे इसे? मैं ये बच्चा नहीं दूंगी, मुझे परवाह नहीं है, मैं बच्चे को बता दूंगी कि उसका बाप मर गया। मैं तुम्हारे बारे में ना अपने बच्चे को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम उसका बाप हो। तू ऐसे नहीं मानेगी, ला मेरा बच्चा मुझे दे। हाथ बंद लगाना मेरे बच्चे को। माँ ने हमें छोड़ दिया, वो कहती है मैं बहुत बड़ा लोफर हूँ। अपनी माँ को भूल जा बेटा, तू मेरा और मैं तेरा। तू बिल्कुल घबरा रही है ना, मैं तेरे साथ हूँ बेटे, मैं तुझे बड़ा लोफर बनाकर छोड़ूंगा आज से इस दुनिया में। तू मेरा है और मैं तेरा बेटा। तुझे अब जो है मेरे साथ आदत पड़ जाएगी। देख बेटा, हमारा काम है करोड़पति बनना, समझे ना? यस पापा जी। चल भाग। Thank you.
जब बीच में आया ना तो यही ठोक दूंगा तुझे। हम दूध पीते बच्चे नजर आ रहे हमारे पैसा छीन के हमसे पूछता है क्या परेशानी है, शान पत्ती करता है। ए, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो एक एक कुत्ते की मौत मारूंगा। देखते मारो इसको। ए, मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ए, मेरी माँ का ऑपरेशन है, मुझे पैसे की जरूरत है। अरे बेटा बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। बहुत अच्छा भाग लेगा है बेटा, कम से कम एक बार धन्यवाद तो बोल दो। इसने हमारा पैसा लिया और हम ही को मारा। देख ले बेटा ये है दुनियादारी, सब ऐसा फराम हो से, ये सब क्रिकेट की बोल है। इनका दया मत करो। कैसे हो? ठीक है बेटा, तुम बताओ कैसे हो? बस बढ़िया है बाबू जी, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। अच्छा, अरे बेटा पूरा जीवन ही तेरे पीछे है मेरा। अब कोई शादी का चक्कर भी चलाओ। अरे बेटा इस उम्र में आपका हाथ शादी करूंगा मैं। बात नहीं कर रहा। कौन? अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तू क्यों टेंशन ले रहा? अरे पिताजी क्या करूँ, रातों को मुझे नींद नहीं आती। अरे तू शादी के चक्कर में मत पड़, आज की लड़कियां भरोसे लायक नहीं है। अरे पिताजी कैसी बात करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ऐसा नहीं, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। देख बेटा आजकल ऐसी लड़कियाँ हैं कहाँ जो हमारे कंट्रोल में रहेंगी। आजकल ये ऐसी लड़की घर में आ गई तो समझो बर्बाद। अरे पिताजी मुझे लगता है तुम मेरी शादी ना कराने के लिए बारह ही मारोगे। तुमसे बात करनी भी घर में जा रहा हूँ भाई। यूँ नहीं सुधरेगा कभी भी। चलो घर चलो। चल ठीक है। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। जब से तुम्हें देखा है बस रात दिन तुम्हारा ख्याल आता है। तो मैं क्या करूं? बस तुम मेरी दुल्हनिया बन जाओ। अरे सुनो पूरा नाम तो बता दीजिए। अरे पागल है क्या? पागल लगता है। हेलो हेलो मंजू कैसी हो? मैं ठीक हूँ।
आप कैसे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ एक कप चाय पी सकता हूँ? चाय मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पी सकते? बताओ कहाँ आना है? हाँ वहीं आ जाना, पुराने खंडर में। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा, पर पहुंच जरूर जाना, ठीक है ना? ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके देखो, बताओ क्या बात करनी थी? देखो मंजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो ठीक से आप तो जानती भी नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो मंजू, जैसे ही ना हाथों को जंग लग गया।
कोई बढ़िया काम, कोई बढ़िया टारगेट नहीं मिला। तुम्हारा फोन आया तो समझा कि जरूर राका सेठ ने याद किया है, तो कोई काम बढ़िया ही होगा। अरे काम तो मैं बहुत बढ़िया लेके आया हूँ, जब तक उस सेठ की तिजोरी खाली नहीं करूंगा ना मेरे मन को चैन नहीं आएगा। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है सेठ की तिजोरी खाली और अपना खजाना फुल। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है राका, ये काम हम दोनों करेंगे, टेंशन मत ले। और ये मत सोचना कि हम दारू पी के बने हैं, हम दोनों की जोड़ी पूरे शहर में पहले से ही बदनाम है। सही बोला ये, सही कह रहा है, रात को, सही कह रहा है। रात को जब बच्चा सोता है रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो सल्लू और रॉकी आ जाएंगे। ए भाई, जिस दिन मेरे पास माल ही माल आ जाएगा ना, जो इस दुनिया पे राज करूंगा मैं। हाँ भाई, थोड़ा सा माल हमारी झोली में भी डाल देना राका भाई। ये लो झोली तो तुम्हारी पहले से ही भरी हुई है। ये तो चाहते थे, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, हमारी जेब भी खाली तुम्हारी जेब भी खाली। सही बोला ये, अब सेठ की तिजोरी खाली करो और अपनी जेबें भरो। यस, बनाओ प्लान, बनाओ सेठ आका भाई, बनाओ प्लान, बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आ रहे हैं हम, तैयार रहना, छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलते हो दोस्तों? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, यस, हम सब एक। अच्छा रॉकी भाई चलते हैं, हमें चलते हैं, गाना बहुत हो गई, नाचना हो जाए, कुछ गाना हो जाए, छपी का मस्ताना सा सामान बुलाए क्या, बताओ ना आपकी मर्जी, बुला लो जब तक आप गए जब तक हम यहाँ रुकने के लिए तैयार है। सोच लो इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सेठ का प्रोग्राम लेट हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसलिए सामान कार में। चलो ठीक, चलो ठीक ठीक है, तुम निकलो, चलो हम तुम्हारा काम करते हैं। अरे रोकी भाई आपका ही सारा रॉकी सिंडिकेट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब तो टेंशन मत ले, अब तू जाके आराम कर, चल चल चल, ये काम हम पे छोड़ दे, चल। चढ़ गई कि रास्ता भूल गए राका भाई को। राका भाई को मिलते, ओके बाय। साला कोई काम करे बहन, वो ही बीच में टांगड़ा था। ये तो बात है, किसी को मेरे भेजे के बारे में पता नहीं है ना, जिस दिन ये सटक गया उस दिन सबकी सटका दूंगा। फोन आ गया, अबे ये तो राका का फोन है। देखो देखो
खाना का। अच्छा अच्छा ये बताइए रोकी भाई, आप हैं कहाँ इस टाइम? अरे राका भाई, कैसे याद किया? तुमसे थोड़ा काम था। अरे राका भाई, अरे वहीं अपनी पुरानी जगह, अपने पुराने अड्डे पर। बॉस का हुकुम बजा रहे हैं राका भाई? एक आदमी को मारना था, मार दिया साले को, खत्म कर दे। बस अब तुम्हारे पास आ रहे हैं, अब आए बस जा 10 मिनट में। चलते हैं, चलो। ओके से याद किया रॉकी को? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? क्या बताऊं रॉकी भाई, धंधा पानी साला कुछ बिल्कुल सही नहीं चल रहा, साला सब मंदा पड़ा है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, क्या किया जा सकता है इसमें? अरे क्यों मरी मरी आवाज में बोल रहा है? एक बार बोलना किसका मर्डर करना है, कहां बैंक रॉबरी करनी है, एक बार तो बोल। तो बात क्या है ये बताओ। बस मैंने आपको इस वजह से याद किया है कि छोटी मोटी चोरियां तो ये बहुत कर रही, क्यों ना बड़ा हाथ मारा जाए। क्या कहते हो? ये बात तो इसने सही कही है। सोचा तो तुमने सही है राका। चल राका उठ और इस शहर पर ऐसा कहर बनकर गिर कि इस शहर का जर्रा जर्रा तेरे खौफ से कांप उठे। इस शहर की गली गली, बच्चा बच्चा सिर्फ एक ही नाम पुकारे, राका राका राका। अगर आपका साथ रहा रॉकी भाई तो ये काम भी मुमकिन हो जाएगा। इस शहर को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा और अपने पैरों के नीचे रखूंगा। इस शहर में किसी की इतनी मजाल नहीं जो रॉकी का रास्ता काट सके। इसीलिए तो मैंने आपको याद किया है, आपसे बड़ा धुरंधर इस पूरे शहर में नहीं। ठीक है रॉकी भाई। रॉकी भाई, मेरी नजर में एक सोसाइटी है जिसमें एक मालदार सेठ रहता है। अच्छा, क्यों ना आज उसी को लूटा जाए। मालदार सेठ? मालदार सेठ। और किस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में। आप देख रहे हो सेठ हमारे इस गिरोह के आतंक से कैसे उसका खून बन जाएगा। कुछ नहीं छोड़ना उसके पास, सब कुछ तबाह कर दो। अरे उसके पास तो एक तिजोरी भी है। तिजोरी? तिजोरी जी। वो देख रहे हो, वो खिड़की उसी की है। हमें भी तो ऐसे तिजोरी वाले सेठ की ही तलाश थी। चलो राका, इस सेठ को हलाल कर देते हैं। चलो
में हो गया इतना पीता क्यों मैं? माल बहुत हाथ लगा है, लगता है इसके अंदर माल बहुत ज्यादा है। तो आज पार्टी पक्की, लगता है आज तो दारू साली पक्की। देखा, रॉकी ने अपना वादा निभाया ना, इसको बोलते हैं सच्ची दोस्ती। रॉकी तू मेरा भाई है यार, तू मेरा भाई है। चलो चलो माल का बंटवारा करते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो चलो राम, मुझको मेरे पैसे दे दे। मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। वरना तेरी बेटी की यही इज्जत नीलाम कर दूंगा, समझे? छोड़ दे मुझे। जाओ इसके घर में देखो, तलाशी लो, कहाँ रखे पैसे, जाओ। मेरी बेटी को कुछ मत कहो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या छोड़ दिया? पैसे दे। क्या हुआ, क्यों मार रहे हो तुम उसको? हमारे पैसे चाहिए हैं, इसलिए मार रहे हैं। कितने पैसे तेरे? मुझे पता नहीं है, जब लिए थे। बाबूजी टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे मैं देता हूँ, ये ले। और दोबारा यहाँ देख मत जियो, ठीक है? पैसे मिल गए, अब हमें जरूरत क्या आने की? लगता है पुराना आशी केस का। हाँ वही लैला मजनू का चक्कर है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो 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 बैठ। आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं मैं चलो बैठिए, मैं चाय लाती। बेटा तुमने हमारी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़े आप मुझे याद कर लेना, मैं आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है। क्या हुआ, अभी तक पैसे क्यों नहीं पहुँचे? कल शाम को पैसे फ्लैट पर पहुँच जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फ्लैट नंबर क्या है? फ्लैट नंबर है A15। ठीक है। अरे ये पैक किसका है? लगता से कोई बारिश नहीं है, लगता माली बहुत है। सच ही बोल रहा हूँ, मैंने कोई बैग नहीं देखा यार। लगता तो नहीं है इसने बैग लिया होगा, ये तो शक्ल से जेंटलमैन लग रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देख बापू आज माल बहुत हाथ लगा है, ये देख।
ये देख कितना रुपया है। अरे अरे देखो बाबू कितना रुपया है भाई हाथ में। अब ट्रैक्टर वैक्टर छोड़ो, हाँ निकल लो यहाँ से, मौज मस्ती का देख। तेने कहा था ना तेरा बेटा सबसे बड़ा वाला ऑफर बनेगा, आज बेटा देख कितना ऑफर बड़ा बन गया, देख नोट देख रख ही मैं। हाँ और चल बेटा निकल लेते हैं यहाँ से। चलो बापू आओ बापू। चीयर्स राघव भाई, हमारा जो नोटों का भरा बैग साले उस बंसेल के पास है, लेकिन नाटक दिखा रहा साला। शक तो मुझे भी है उस पे। उस्ताद कहो तो साले का गेम बजा दे। आगा मारेंगे। ऐसे ही करना होगा। हेलो देख शक्ति, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू समझ रहा है? अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं पहुंचाए तूने? तुझे पता है मैं कितना खतरनाक आदमी हूं? हाँ मैंने पहुंचाए थे। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आज शाम तक मेरे पैसे मुझ तक नहीं पहुंचे तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ मैं 2 करोड़ पहुंचा दूंगा। वाला 4 करोड़ का नुकसान हो गया। एंजॉय। जुबेल देख, मैं तुझे एक काम सौंप रहा हूं, आज रात तक मुझे पैसे चाहिए 2 करोड़ रुपए, समझ गया? ठीक है बॉस। कितने? 2 करोड़ रुपए। ठीक है बॉस। अरे माई देवा है क्या? अरे बता पर पड़ा होगा कहीं।
तो शक्ति के आदमी है। क्या हमसे शांति करता है? क्या बात हुई? चल आठ पीछे मुन्ना, इसकी घर की तलाशी लेते हैं और बैग ढूंढते हैं। चलो। नहीं, बैग मेरे पास नहीं है। चलो। नहीं, मुन्ना तू इधर देख, मैं इधर देखता हूं। Yeah.
मारा गया वन शेर के हाथों। तुम लोग वहां से चुपचाप निकल जाओ, ध्यान रहे कोई तुम्हें वहां देखे नहीं। अरे देवा मिला कि ना मिला? वो तो मर गया। मर गया? मैंने इतनी बार समझाया था गलत काम मत कर मत कर, लेकिन क्या वो मारा गया ना? बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसकी लाश तेरे कदमों में जरूर लाके रखूंगा भाई। मैं तुझसे वादा करता हूं भाई, तेरी कसम भाई। भाई जा, भाई जा, मन भाई प्लीज। यहां तुम सारे मुझे मनशेर चाहिए। तुम सबकी कमर मैं यही खो दूंगा, समझे?
बनशेर मैं भी आ रहा हूं, देखता हूं तुझे कौन बचाता मेरे हाथों से। छोड़ूंगा नहीं तुझे, फाड़ दूंगा। कैसे आम रहे हो सारे? हैं? बंसेर आज हमारे हाथों से बच गया। तो तू कैसे बच गया यार? हमने पूरी कोशिश करी थी उसे मारने की, पता नहीं वो हमारे हाथों से कैसे बच गया। स्टार्ट। तुम चार और वो एक छोड़ दिया। तुमने राका का नाम मिट्टी में मिला दिया। बॉस हमें एक मौका और दो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे बस एक मौका, बस ये आखिरी मौका है। ठीक है बॉस, अगर इस बार बंशेर का कुछ नहीं हुआ ना तो बंशेर तो बाद में देखा जाएगा। तुम सबको खत्म कर दो, समझ गए? ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है बॉस। मिट्टी में मिला दिया तुमने। और रखा कैसे आना होगा? तूने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। देख रहा था मैंने तेरे पैसे पहुंचा दिए थे। तो पूछता क्यों नहीं पहुंचा पैसे? मैं तुम्हारे पैसे नहीं देगा, मैं तुम्हारे पैसे दे चुका हूं रखा। कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं,
तुझे पता है मेरे पैसे मारने की सजा केवल मौत। राघव के पैसे मारेगा तू? जो राका के पैसे मारता है उसका अंत ऐसे ही होता है। अब ऊपर जाके सोचना क्या था राका। हेलो, सब मेरे जूते हैं। छोटू बोलता है? नहीं सब मेरे जूते आए थे। क्या छोटू बोलता है? नहीं सब आप अभी सुनिए, सब सब मेरी बात सुनिए। आप कहा ना हाथ पीछे कर, पीछे बैठ। अरे देखो ये तो वो नहीं है, उसने तो काली शर्ट पहन रखी थी जो भाग के आया था। अब मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, आप मेरी बात ही नहीं समझे साहब। बकवास मत कर, हाथ ऊपर कर साहब। नीचे बैठ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। टूटी ज्वाइन करने के दूसरे दिन मजा आ गया, जैकपॉट हाथ लग गया। तू इज्जत से बताएगा या ढूंढ के निकालूं? चुप। अगर एक शब्द भी बोला तो सब सब प्लीज कर सब सब मेरी बात सुनिए। आवाज नहीं आएगा तू? सब मेरी बात सुनिए आप। क्या कर दिया, दोनों पुलिस वालों को मार दिया। चल निकल ले बेटा यहाँ से। बापू जो मेरे रास्ते में आएगा उसका हाल यही होगा। चलो बापू निकल लो यहाँ से। चलो बाबा। अरे पिताजी बड़ा टेंशन हो रही है। क्या हो गया? मेरे हाथों से एक पुलिस वाले मर गए और एक गुंडे जो है ना राका सारी लड़की को उठा के ले गए। बेटा घबराए मत, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। मैं हूँ ना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब रास्ता निकाल लूँगा। पिताजी तुम ठीक तो कह रहे हो लेकिन उस लड़की को तो बचाना होगा ना, तुम्हारी बहू है वो। बेटा ठीक कह रहा है, उसको तो जरूर बचाना है। मेरा तेरे बिना है कौन? मेरा सब कुछ तू ही तो है। वो तो बात ठीक है पिताजी, मेरी बात को समझो। लेकिन नहीं बेटा, मैं तेरे को छोड़ कर नहीं जा सकता, मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है पिताजी, मैं तेरे साथ रहूँगा।
छोड़ दो। बुड्ढे पता कहाँ तेरा बेटा? कौन हो भाई तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं तो नहीं जानता। कहाँ तेरा बेटा? मुझे नहीं पता। मैं फिर से तुझसे पूछ रहा। नहीं मुझे नहीं पता। पता है तू ऐसे नहीं मानेगा। बुड्ढे बताता है नहीं बताता, वरना तेरी आंतें निकाल लूंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे कहाँ है तेरा बेटा? मुझे नहीं पता। देख बुड्ढे तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम राका है, समझा? बता दे। मुझे कुछ नहीं पता। लगता है बॉस ये बताएगा नहीं। छोड़ो इसे, बंसेर को ढूंढते। ठीक कह रहे हो तुम, इसे कुछ नहीं पता। बॉस तुमको तो इस बुड्ढे आगे में ही बजा दे। नहीं जाने दो, चलो आओ राका भाई आओ। अरे कैसे मुंह लटका रखा है? और जल्लाद सिंह आज तो बहुत खातिरदारी करवा रहे हो। जल्लाद सिंह माल का क्या हुआ? माल तुम्हारे ठिकाने पे पहुंच चुका है। शाबाश। जल्लाद सिंह आज मेरा मूड बहुत खराब है। बात तो बता, क्या बात है? किसने तेरा मूड खराब किया है? अरे पंचेन ने नाक में दम कर रखा है। बस इतनी सी बात? लेकिन जल्लाद सिंह तुम बंशेर को नहीं जानते, उसने मेरे दो आदमी मार दिए। राका तू टेंशन मत ले, लगता है बंशेर की मौत नजदीक आ गई है, समझे? अगर ऐसी बात है तो मुझे बंशेर का सर ला कर दे, सर, फिर जो तू मांगेगा वो तुझे दूंगा, समझा? जरूर उसका सर मैं जरूर ला के दूंगा, लेकिन उसके सर की फुटबॉल खेलूंगा, ऐसे ऐसे, समझे? बस तू मुझे उसका सर ला कर दे, जा फिर तुझे जो चाहिए वो तुझे दूंगा, उसके सर के साथ फुटबॉल खेलना या कुछ और। जा तेरा काम हो जाएगा। ये मेरा वादा है, कल का सूरज नहीं देख पाएगा वो। डील पक्की, मरेगा जरूर मरेगा। चलो बंशेर जरूर मरेगा, ये जल्लाद सिंह का वादा है। क्यों भाई जुमेर? जी बॉस। क्या किया जाए इस बंशेर को? बॉस बंशेर बहुत खतरनाक हो चुका है, इसने दो पुलिस वाले भी मार दिए हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या किया जाए इसका, साला हाथी नहीं लग रहा। लगता है इसकी महबूबा को उठा। हाँ बॉस मेरा भी बहुत मन कर रहा है। ए, 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 ए। वो तभी कब्जे में आ सकता है जब हम उसकी महबूबा को उठा लें। बहुत टाइम हो गया इसी चिड़िया का रस नहीं पिया। उस्ताद आज सर्दी बहुत है, क्यों ना सर्दी का फायदा उठाया जाए। एक काम करो उसकी महबूबा को उठा लो। सुना है बड़ी चटकीली है, है? बड़ी चटकी। उठा ला उसे। जी बॉस। चिड़िया है चिड़िया, हम भी तो देखें चिड़िया का रस कैसा होता है। बस जैसे ही वो हमारे कब्जे में आएगी बंशेर खुद ब खुद हमारे कब्जे में हो जाएगा। जी बॉस। और उसे कब्जे में लाने का यही एक तरीका है। जी बॉस। जी बॉस। उठा लाओ साली को। चलो बॉस तुम्हें चिड़िया का रस चखा खिलाता हूँ। चलो जाओ।
देखो मंजू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मना किसने किया है? आ जाओ बारात लेकर। बस कुछ दिन की बात है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देर बहुत हो गई है। बस तुमको मैं दुल्हनिया बनाऊंगा अपनी। आप प्लीज समझो, बापू बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे मेरा, मेरे को जाने दो। अरे चले भी जाना। समझो अब बात को, जाने दो आप मुझे। चले जाना। जा रही हूँ। सिक्का वो दे रही थी ना धोमो समय, बोला अपने आशिक को, आज देखते हैं तेरे आशिक को भी और तुझे भी, आज तेरी ना दिवाली मनाई ना, मेरा भी नाम, समझ गई ना? जल्लाद सिंह याद आ गया ना, जल्लाद सिंह। तुम नहीं जानते अगर मेरा आशिक आ गया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। आने दे उस आशिक को भी, उस आशिक को भी यही मारेंगे। बचके कहाँ जाएगी? आज नहीं छोड़ूंगा तेरे को। छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे।
सरदार सिंह। हाँ, कर दिया तूने अपना काम? हाँ, हो गया इसका काम। इसका काम ऐसे नहीं होगा। और इसका काम मैं तमाम करूंगा। साली की लाश को ठिकाने लगा दें? नहीं, इसकी लाश को तो इसका आशी के ठिकाने पे लगा, समझे? हाँ बिल्कुल, पड़ी रहना तो साली को इसका आशी के ठिकाने लगाएगा इसकी लाश को। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। क्या चाहिए तुम? बोल। तुमने जो किया हो और मैंने मना किया हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तूने मेरा दिल खुश कर दिया। उस्ताद जो दोगे वही ले लूंगा। आज तुम सबको मैं पार्टी कराता हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरी तलाश थी। पहले तो बच के तो दिखा अपने आप को, जिंदा छोड़ने की तो बात की बात है। लाश सिंह, तो मेरे हाथों से बच नहीं सकता, समझ गया नहीं? अबे तू पहले बच के तो दिखा हमारे हाथों से, देखिए ना मेरे आदमी चारों तरफ खड़े। ये तेरी यही कब्र खोदनी है भाई। अगर भागना चाहता है तो भाग ले, वरना तुम लोगों को ही ढेर कर दूंगा। और कसम मंजू की, अपनी प्रेमी की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम।
राका भाई गजब हो गया। क्या बात हो गई? बनशेर के हाथों जल्ला सिंह मारा गया। हाँ राका भाई, जुबेल सही कह रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं सही कह रहा हूँ राका भाई, जल्ला सिंह मारा गया। सच कह रहे हैं हम? ये नहीं हो सकता। पर ये हुआ है। जल्ला सिंह कैसे मर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर जल्ला सिंह कैसे मर सकता है? चलो मेरे साथ, चलो। बनशेर, मेरे पैसों का बैग कहाँ है? मुझे मेरे पैसों का बैग चाहिए। मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। मुझे मेरे पैसे चाहिए बनशेर। कहाँ है मेरे पैसे? पैसे तुझे पड़ जाकर मिलेंगे। बनशेर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कहाँ है मेरे पैसे?
साला बंछेर हाथ में नहीं आ रहा, कैसे हाथ में आए? उस्ताद कहो तो उसके बाप को उठा ले। उस्ताद जुमेल सही कह रहा है, तभी वो हमारे कब्जे में आएगा। ठीक कह रहे हो तुम, आज रात को ही साले के बाप को उठा लाओ। ठीक है उस्ताद, फिर साला अपने आप चूहे की तरह हमारे पास आएगा। जी समझे? ठीक है उस्ताद, लेके आओ साले को। मेरा बेटा आ गया तो मैं चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के। आज तेरा वो हाल करेंगे कि तेरा बेटा बंशेर भी तुझे नहीं पहचान पाएगा। ले चलो साले, चल चल।
छोड़ूंगा नहीं। बेटा कल दिन का देखते हैं। बताइए फलों को चुन चुन का मारूंगा। मेरे हाथ खोल दे और जो एक चमचे हैं तेरे सबको एक एक करके मारूंगा। अब तेरे हाथ यहां नहीं ऊपर खुलेंगे, समझा? मैं घर वाली नहीं, ना मेरे